पुत्रो वा सर्वावस्थाङ्गतो विवाहः स्मरेत् पुण्यैकाक्षां भवाय रेणुकासुतजमदगनिके नन्दन कोशले सपूजित भृगुचन्दन। आप राम मंदिर आंदोलन से बहुत लंबे समय से जुड़े रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि राम मंदिर निर्माण के बाद समाज में किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे? जैसे राम के अवतरण के बाद गांव, नगर, शहर सब एक हो गए थे, राममय हो गया था। राम ने स्वयं चल करके नगरवासी, वनवासी सबको एक साथ जोड़ करके प्रचंड रूप से खड़ा किया था, नर में नारायण का स्वरूप धारण किया था। वैसे ही जब राम मंदिर बनेगा तो फिर राम के सरीखे ममता, समता, प्रेम का गंगा बहेगा। माँ सबरी के भी राम है, निषाद के भी राम है, नगर वनवासी के भी राम है और हमारे शहरवासी के भी राम है। राम का मंदिर बनेगा तो पूरा देश राममय हो जाएगा। अच्छा भाई, देख रहे हैं समर्पण निधि के मामले, मुस्लिम भी समर्पण निधि दे रहे हैं, ईसाई भी दे रहे हैं, तो इसको लेके आप क्या, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मैं यही बात कह रहा हूँ, राम में ही वो सामर्थ्य है कि वो संपूर्ण विश्व के कल्याण का मार्ग खोज सके, क्योंकि राम समता दबातक है। और इसलिए राम के साथ जो भी मत पंथ संप्रदाय के लोग हैं सब कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। मुस्लिम करते हैं, ईसाई करते हैं, स्वागत है उनका, यह तो स्वेच्छा से है। इसलिए हमने इसका नाम चंदा नहीं, समर्पण रखा है। समर्पण हनुमान भी कर सकते हैं और गिलहरी भी कर सकता है, वो समाज का कोई भी व्यक्ति समर्पित कर सकता है। आपने शिलान्यास की पहली शिला रखी थी, तो आप व्यक्तिगत अनुभूति की बात करें तो आप व्यक्तिगत रूप से इसको किस तरीके से लेते हैं? देखिए, जिस समय मैं शिलान्यास किया था उस समय हिंदू समाज के मन में एक क्षोभ था, कहीं न कहीं ग्लानि थी, कहीं न कहीं क्रोध था, कहीं न कहीं अपमान महसूस कर रहा था। अब जब राम जन्मभूमि का विजय हुआ है तो लोग आह्लादित है, आनंदित है, राम के भाव से लोगों का मन भरा हुआ है। और अब सबको लगता है कि राम के मंदिर बन जाने के बाद यह भाव पूरे समाज में व्याप करेगा। इस प्रकार का मुझे हिंदू समाज में जो दलित और सवर्ण की जब बांटने की बात की जाती है, इसको किस तरह से रोका जाए? बार बार बात होती है। बस उसका एक ही मार्ग राम है। राम दलितों के भी है, मैं अभी कहा ना कि राम सबरी के भी है, राम निषाद के भी है। तो राम ही एक आधार है जो सबों के मनुष्य के कलुष को धो सकता है और सब राममय हो सकते हैं। इसलिए राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर जब बनेगा तो वो राष्ट्र मंदिर बनेगा, जिससे प्रेरणा दलित भी लेंगे, सवर्ण भी लेंगे और सबके मन में वो श्रेष्ठ भाव पैदा होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि आप चूंकि किसान परिवार से भी आते हैं, जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर किसानों का मानना है कि ये किसानों के हित में नहीं है, अगर किसानों के हित में नहीं है तो इसको रद्द क्यों नहीं कर देना चाहिए? यह मेरा अभी विषय नहीं है, अभी मेरे सामने केवल राम मंदिर है। अर्जुन के तरह मुझे चिड़िया की केवल आँख दिख रही है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। किसान का विषय जो उस क्षेत्र में काम करते हैं उनको दिखेगा, मैं तो केवल राम सेवक हूँ अभी, और राम काम ही मेरा काम है। राम काम किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। भगवान परशुराम की। धन्यवाद।